हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिमी। आज हम लोग इस वीडियो में शेडिंग पर चर्चा करेंगे। तो शेडिंग पर चर्चा करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि शेडिंग क्या होता है। लेट्स सपोज कि मैंने एक 3D मॉडल बनाया। मैकेनिकल गियर का, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गियर जनरली मेटल से बनती है, लेकिन हमारा 3D मॉडल बिना कलर और मेटालिक लस्टर के बिल्कुल ही अस्वाभाविक लग रहा है। इसी वजह से हमें शेडिंग की जरूरत पड़ती है। शेडिंग की मदद से हम लोग 3D मॉडल का रंग और दिखावट में बदलाव करते हैं। ब्लेंडर में शेडिंग के लिए दो चीज़ों की आवश्यकताएँ होती है, पहला मटेरियल, दूसरा शेडर। चलिए अब देखते हैं ब्लेंडर में शेडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप व्यूपोर्ट शेडिंग में लुक डेप मेथड, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद 3D व्यूपोर्ट को दो पैनल में डिवाइड कर लें, ठीक है। अब राइट साइड वाले एडिटर को हम लोग शेडर पैनल में चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपने 3D ऑब्जेक्ट में या 3D गियर में मटेरियल ऐड नहीं किया है। तो मटेरियल ऐड करने के लिए मेरा 3D मॉडल जो गियर है पहले सिलेक्टेड है, आप लेफ्ट क्लिक करके पहले अपने गियर या जो भी 3D मॉडल है उसको सिलेक्ट कर लें और प्रॉपर्टीज पैनल में मटेरियल प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। अब नया मटेरियल ऐड करने के लिए न्यू पर क्लिक करें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि न्यू पर क्लिक करते ही प्रॉपर्टीज पैनल में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और शेडर एडिटर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दो नोड्स क्रिएट हो गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला नोड हमारा प्रिंसिपल BSDF है और दूसरा मटेरियल आउटपुट नोड है। हम लोग एन दबा करके, अब आपको यहाँ पर यूज नोड के नीचे सरफेस दिख रहा होगा, सरफेस के बगल में क्लिक करके हम डिफरेंट शेडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि शेडर्स क्या होता है। शेडर्स एक प्रकार का एल्गोरिदम है ब्लेंडर में, जो ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन लुक प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर आप शेडर को चेंज करके देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर क्या असर पड़ता है। जैसे मैं ग्लास शेडर को सिलेक्ट करता हूँ, आप लोग क्लियरली अंतर देख सकते हो कि पहले ये ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा था, अब ग्लास शेडर सेलेक्ट करते ही ऑब्जेक्ट में क्या बदलाव आ गए हैं। चलो इसे मैं वापस प्रिंसिपल BSDF पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप शेडिंग प्रॉपर्टीज पैनल से भी कर सकते हो, पर मैं शेडर एडिटर में नोट्स का इस्तेमाल करूंगा। चलिए अब चर्चा करते हैं शेडर एडिटर पर। शेडर एडिटर और 3D व्यूपोर्ट में नेविगेट करना एक जैसा ही है। अगर आप ब्लेंडर में नेविगेट करना नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नोड्स कैसे काम करते हैं। तो नोड एडिटर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो नोड्स है, एक प्रिंसिपल BSDF और दूसरा है मटेरियल आउटपुट। प्रिंसिपल BSDF एक शेडर नोड है और मटेरियल आउटपुट एक आउटपुट नोड है। अगर हम लोग प्रिंसिपल शेडर नोड को मटेरियल आउटपुट से अलग कर दें तो आप लोग देख सकते हैं कि 3D व्यूपोर्ट में हमारे गियर से मटेरियल गायब हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्लेंडर में मटेरियल शेडर से ही बने होते हैं। अभी के लिए मैं प्रिंसिपल BSDF नोड को डिलीट कर देता हूँ। इस नोड पर मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। अभी हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल नोड्स के साथ शेडिंग कैसे करते हैं। अब हम लोग कुछ नए शेडर नोड्स को ऐड करेंगे। जैसा कि मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ एड शेडर और डिफ्यूज BSDF को, और इसे मैं लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। इसके बाद मैं ऐड करूंगा एड शेडर और ग्लॉसी BSDF, इसे मैं डिफ्यूज BSDF के नीचे प्लेस कर देता हूँ। और लास्ट में मैं ऐड करूंगा शेडर रिफ्लेक्शन BSDF। यहाँ पर मैंने तीन नोड्स को ऐड किया है। अब मैं इन तीनों नोड्स को मटेरियल आउटपुट से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक बार में सिर्फ एक ही नोड को मटेरियल आउटपुट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास दो नोड्स हैं। पहला है हमारा ऐड शेडर नोड और दूसरा है मिक्स शेडर नोड। तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। ये रहा ऐड शेडर और ये रहा मिक्स नोड, मिक्स शेडर नोड। ठीक, अब दोनों नोड के काम को हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसके बाद मैं डिफ्यूज बीएसडीएफ नोड को ऐड शेडर नोड से कनेक्ट कर देता हूँ और ग्लॉसी बीएसडीएफ को भी ऐड शेडर नोड से कनेक्ट कर देता हूँ। और ऐड शेडर नोड को मैं मिक्स नोड से कनेक्ट कर देता हूँ और जो रिफ्लेक्शन बीएसडीएफ नोड है उसे भी मैं मिक्स शेडर नोड से कनेक्ट कर देता हूँ। और फाइनली मिक्स शेडर नोड को मटेरियल आउटपुट से कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि सारे नोड एक दूसरे से जुड़ गए हैं और फाइनली जितने भी नोड थे वो मटेरियल आउटपुट के साथ ऐड हो गए। अब मैं डिफ्यूज शेडर नोड में कलर चेंज कर देता हूँ। डिफ्यूज शेडर में जो कलर होता है वो बेस कलर होता है, ऑब्जेक्ट का बेस कलर ऐसा ही होगा। इसके बाद मैं चेंज करता हूँ ग्लॉसी बीएसडीएफ में, जो ऑब्जेक्ट का जो चमक होगा वो किस कलर का होगा वो ग्लॉसी नोड का कंट्रोल होता है। ठीक है, और इसके बाद रिफ्लेक्शन बीएसडीएफ में मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जैसा कि नाम से क्लियर है, रिफ्लेक्शन बीएसडीएफ का मतलब हुआ कि जो भी लाइट स्कैटर हो रहा है और कैमरे के पास आ रहा है उस स्कैटर्ड लाइट का क्या कलर होगा। ठीक है, हम लोगों ने तीनों नोड्स में कलर चेंज कर दिया, इसका असर आपको ऑब्जेक्ट पे भी दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं गियर जनरली मेटल से बनता है, तो मेटल में मेटेलिक लस्टर होता है, तो इसके लिए मुझे ग्लॉसी बीएसडीएफ में रफनेस को थोड़ा कम करना होगा। तो रफनेस के बारे में आप लोग एक बात जान लीजिए, फ्रेनेल जो होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का परछाई बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे आप या मेटल कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसमें आपको दूसरे ऑब्जेक्ट का परछाई दिखता है, तो वो कंट्रोल होता है हमारे रफनेस से और उस परछाई को हम लोग कहते हैं फ्रेनेल। अब फ्रेनेल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रफनेस का। इसका मतलब कि रफनेस को हम जितना घटाएंगे ऑब्जेक्ट पे उतने ज्यादा प्रतिबिंब बनेगा, और रफनेस को जितना बढ़ा दें उस ऑब्जेक्ट में फ्रेनेल उतना ही कम हो जाएगा। तो मैं रफनेस को अराउंड 1.3 या 1.5 के आसपास, तो मैं रफनेस को 0.080 के आसपास सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर है नीचे आई ओ आर। आई ओ आर का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन वैल्यू। ठीक है, इसे मैं 2 के आसपास सेट कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो गियर है वो गोल्ड मेटल की तरह दिख रहा है, ये हमारा मेटेलिक गियर अब तैयार हो गया है। ठीक है, इस तरह से शेडिंग हम लोग ब्लेंडर 2.79 प्रिंसिपल्ड बीएसडीएफ नोड के आने से पहले करते थे, बट मैंने इस तरह से शेडिंग इसलिए किया क्योंकि आप लोग समझ सके कि नोड्स कैसे काम करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रिंसिपल्ड बीएसडीएफ नोड पर। ब्लेंडर 2.79 से पहले ब्लेंडर में शेडिंग के लिए मल्टीपल नोड्स की जरूरत पड़ती थी, पर ब्लेंडर 2.79 में प्रिंसिपल्ड बीएसडीएफ नोड को इंट्रोड्यूस किया गया। अब मैं प्रिंसिपल्ड बीएसडीएफ नोड की मदद से शेडिंग करूंगा। सबसे पहले बेस कलर को चूज करें, तो हम लोगों ने गोल्डन बनाया था गियर, इसमें भी गोल्डन ही बनाएंगे। और उसके बाद सब सरफेस कलर को चूज करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया में दो ही टाइप के मटेरियल होते हैं, या तो कोई मटेरियल मेटेलिक होगा या फिर नॉन मेटेलिक होगा। मतलब मेटेलिक मतलब धातु होगा, नॉन मेटल मतलब गैर धातु होगा। तो मेटेलिक ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ मेटेलिक में वैल्यू को 1 रखेंगे और नॉन मेटल के लिए वैल्यू 0 रखेंगे, बीच का कोई वैल्यू नहीं रखना है। रफनेस के वैल्यू मैं थोड़ा सा घटा देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रफनेस जितना कम होगा ऑब्जेक्ट उतना स्मूथ दिखेगा, और रफनेस जैसे हम बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट में हमें बिल्कुल फ्रेनेल नहीं दिखेगा। ऐसे फ्रेनेल तो हर ऑब्जेक्ट में दिखता है, लेकिन यहाँ फ्रेनेल का मात्रा बहुत कम हो जाएगा। तो मैं रफनेस को अराउंड 0.176 के आसपास रख देता हूँ, थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। अब हमारे ऑब्जेक्ट में मेटेलिक साइन आ गई, मेटेलिक लस्टर आ गया। आगे आपको प्रिंसिपल्ड बीएसडीएफ में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे एनिस्ट्रोपिक, ये हम लोग पॉलिश मेटल सरफेस के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आता है सीन,
सीन का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम लोग किसी फैब्रिक को मॉडल कर रहे हों, जैसे अगर फ्लैग बना रहे हों, किसी देश का झंडा बना रहे हैं, तो वहाँ पे कपड़े को जब मॉडल करेंगे तो वहाँ पर हम लोग सीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे आने वाली वीडियो जो कि टेक्सचर पर होगा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्ट पर टेक्सचरिंग कैसे करें। उसमें भी हम लोग प्रिंसिपल BSDF नोट का इस्तेमाल करेंगे और प्रिंसिपल BSDF का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि टेक्सचरिंग पे होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक, आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।